Hey guys, good morning. Welcome back to my blog. नीतू की दुनिया में आपका स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा गर्दन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मैं इसका इलाज करवा रही हूँ। तो बहुत गर्मी है यार, घंटा बारिश हो रही है, क्या हो रही है, कभी मौसम कुछ कर रहा है, इसकी वजह से तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है मेरी, फीवर लग जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, परवल का चोखा बिहार में काफ़ी बनता है, गांव में पहले के लोग काफ़ी बनाते थे परवल का चोखा, तो मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ। ऐसे तो मेरी सासू माँ बनाती थी, पर अब वो है नहीं, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोशिश कर रही हूँ बनाने का। तो मैंने परवल बॉयल कर दी हूँ, अभी गर्म है। और ये जो लहसुन है, इसे मैं तवे पे थोड़ा भूंज लूँगी, क्योंकि ऐसे कच्चापन आता है, और थोड़ा भूंजा रहेगा तो अच्छा लगेगा ये। तो इसे लहसुन को भूंज कर डालने में इसका टेस्ट काफ़ी और अच्छा आता है। इधर ये मैं छोटे छोटे प्याज काट के रखी, इतना छोटा छोटा ये प्याज था, इसे मैंने पूरे बारीकी कट कर दिया है। और अब मैं इस पर दो चार मिर्ची भी मैं डाल दूंगी पकने के लिए, अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने मिर्ची भी डाल दिया है दो चार, सॉरी कैमरा इधर से उधर हो जा रहा है यार, तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। एक्चुअली कैमरा हाथ से पकड़ के बनाना पड़ता है ना, तो इसीलिए। और ये सब सारी चीज़ों को आप इसे चोखे को पूरा, जैसे आलू का चोखा गुथ लेते हैं, सॉरी आटा गुथने का बात नहीं कर रही, चूर लेते हैं, जैसे आलू को चूर लेते हैं चोखा बनाने के लिए, मैश कर लेते हैं, तो वैसे ही इसको भी पूरा मैश कर लेना। अभी तो ये बहुत ठंडा है, यदि गर्म है, देखिए ये पूरा धुआँ निकल रहा है, बहुत गर्म है। और प्लीज़, मैं थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, मैं थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ बोलने में। एक्चुअली क्या है कि खाना बनाती हूँ ना, तो दिमाग सिर्फ खाने पे रहता है, समझ में नहीं आता। इधर मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आलू बरी की सब्जी है, ये मेरा आलू है, ये मेरा बरी है। जब कोई सब्जी नहीं होती है तो मैं इसी यही बरी का सब्जी मैं बना लेती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाऊं, तो घर में मेरी मम्मी बरी दी है बनाकर, मुझे बरी बनाने नहीं आती है, ये सब काम मेरी मम्मी करती है। तो अब तो ख़त्म भी हो रहा है मेरा बरी, तो मुझे बरी की सब्जी, आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब सीज़न भी नहीं रहा कि मम्मी बनाएगी, अब बेचारी अकेले कितना बनाएगी। मेन दिक्कत क्या है कि वो अकेले है, कोई है नहीं बनाने के लिए, तो प्रॉब्लम इसी बात से हो जाती है। पहले वो बहुत बनाती थी, अब थोड़ा एज भी हो गया है तो नहीं उतना कर पाती है। वो थोड़ा ही दे देती है तो काफ़ी दिन चलता है मेरा, और बड़ा अच्छा लगता है खाने में आलू गरी की सब्जी। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह मेरे मिनी ब्लॉग को लाइक शेयर और फॉलो करते रहिए, और मैं आप लोग के साथ वीडियो डालते रहूँगी। तो अगर आपका इसको फुल रेसिपी चाहिए चोखे का, परवल का, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं फुल रेसिपी दूंगी। ऐसी ये तो रेसिपी आप लोग को समझ में आ गया होगा, नॉर्मल है, बस फिर इसी मिर्ची को उसमें गुड़ दीजिएगा, लहसुन को गुड़ दीजिएगा, प्याज डाल दीजिएगा, थोड़ा तेल डाल दीजिएगा, मस्त चोखा बनेगा। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो आप दाल चावल चोखा या रोटी चोखा खा सकते हैं। हम बिहारियों में तो ये खाना बहुत चलता है, और लोगों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो बिहारी होंगे वो जानते होंगे इस खाना को, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। गांव के लोग पहले बहुत ज़्यादा परवल का ही चोखा के साथ खाना खा लेते थे, तो इसलिए ये चोखा जो है पहले बहुत बनता था, अब तो कम हो गया, अब तो बहुत तरह का खाना आ गया है, लेकिन वो ये खाने में जो टेस्ट होता है वो कहाँ यार, चूल्हा का खाना में जो टेस्ट होता है, चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग ही होता है, पर आप लोग नहीं बना पाते, कहाँ से बनाएंगे।
इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, सब लोग बिजी हो गया है ना। पर कभी कभी दिल करता है कि गांव का खाना खाऊं, पर नहीं हो पाता। खैर कोई नहीं, अब जो है सो है, इसी में लाइफ गुजारनी है। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो मुझे बहुत प्यार देंगे, शेयर करेंगे मेरे वीडियो को, और मैं और अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहूँगी। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगा तो और मैं बहुत सारा रेसिपी का वीडियो भी डालूंगी। और ये मक्खी तो अजब तंग करती है बीच में वीडियो में, ये भी आप लोग को हाय हेलो कर रही है। तो इसी तरह मुझे लाइक शेयर और फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।